आईपीएल 2022 का चौथा मुकाबला लखनऊ और गुजरात के बीच में खेला गया, जिसमें गुजरात की टीम ने आखिरी बॉल तक इस मैच को लड़ा और आखिरी में आकर के राहुल तेवतिया ने इस मैच को जिता दिया। आखिरकार आप भी जानना चाहते हो इस मैच के बारे में पूरी जानकारी, इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। लखनऊ की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोने के बाद 20 ओवर में 158 रन बनाए, जिसमें सबसे ज्यादा दीपक हुड्डा ने 55 रन की पारी खेली। आयुष बादौनी ने भी 54 रन की पारी खेल डाली। हालांकि कप्तान केएल राहुल कुछ बड़ा नहीं कर पाए और मोहम्मद शमी ने मैथ्यू बैर के हाथों इन्हें कैच आउट करवा दिया पहली गेंद पे। उसके बाद क्विंटन डीकॉक को भी मोहम्मद शमी ने क्लीन बोल्ड कर दिया 7 रन के निजी स्कोर पे। गुजरात की टीम की ओर से बल्लेबाजी करते हुए सोमन गिल भी अपना खाता नहीं खोल पाए और आउट हो गए। हालांकि उसके बाद मैथ्यू बैर ने 30 रन की पारी खेली, हार्दिक पांड्या ने 33 रन की पारी खेली, डेविड मिलर ने 30 रन की पारी खेली और राहुल तेवतिया ने कमाल कर दिया, 24 गेंदों में 40 रन उड़ा दिए, 5 चौके 2 छक्के की मदद से। अभिनव मनोहर ने भी 7 गेंदों में 15 रन की पारी खेली और इस मुकाबले को गुजरात की टीम ने 5 विकेट से जीत लिया 2 गेंद शेष रहते। और दोस्तों पॉइंट टेबल में गुजरात की टीम 4 नंबर पे आ चुकी है।